प्रियंका कक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तो हमलावर इस मामले को लेकर प्रियंका जी नजर ही आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक जो बड़ा आरोप लगा रही है वो ये कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए। क्या इससे आम आदमी पार्टी सहमत है? आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये कहती आ रही है कि केंद्र की एजेंसियां दुरुपयोग की जा रही है, और ये हम इसलिए कहते हैं कि 150 केसेस हो गए हमारे विधायकों पर, मिनिस्टर्स पर। आपको ध्यान होगा कि कैलाश गहलोत जी के यहाँ भी रेड पड़ी, अरविंद केजरीवाल जी के भी यहाँ रेड पड़ी, क्या मिला? मफलर। और इन सारे 150 केसेस के बाद जब ये कोर्ट में गए केसेस, 40 लोग बरी हो चुके हैं ऑलरेडी, 42 लोग बरी हो चुके हैं, और कोर्ट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट टिप्पणी की हर बार कि कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं मिलता। नहीं तो प्रियंका जी, नेशनल हेराल्ड केस की ईडी जांच करे और सच इस। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस मामले का जो भी है वो सामने आए, ये आप लोग नहीं चाहते? सच आए, इन्वेस्टिगेशन चले, वो अलग बात है, पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के दुरुपयोग की बात है कि देखिए 0.5% से नीचे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कन्विक्शन रेट रहा है, इतना पुअर कन्विक्शन रेट है। और पिछले जी ठीक है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर, कांग्रेस को राजघाट पर प्रदर्शन से रोकना शर्मनाक है, ये कांग्रेस नेता अजय माकन कहते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। कुमार, सचिन पायलट से बात कर, पॉलिटिकल इस्तेमाल एजेंसीज का हो रहा है उसके विरोध में हम लोग हैं, और पूरे ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया है, परमिशन ना तो राजघाट में बैठने की दे रहे हैं, हमारे एमपीस को सस्पेंड आप कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में आवाज को दबाने का ये जो काम शुरू किया ये शुभ संकेत नहीं है। सर, जिस तरीके से सोनिया गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं घर जाकर ही पूछताछ हो सकती थी, उम्र बहुत ज्यादा है सोनिया गांधी की। बात यह है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, देश में लगातार एक आर्थिक संकट पैदा हुआ हुआ है, एक फार्मर्स का क्राइसिस है, सदन में चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं, विधायकों सांसदों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, परमिशन दे नहीं रहे, पुलिस को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी बात नहीं है। हम अपनी बात रख रहे हैं, पूरा देश जानना चाह रहा है कि एजेंसीज का काम सिर्फ नेताओं की आवाज को दबाने का है और कुछ काम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन पायलट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं करने दिया जा रहा, सत्याग्रह करने के लिए वो राजघाट जाना चाहते ही कांग्रेस पार्टी, वहां नहीं जाने दिया जा रहा, सांसदों को लोकसभा में सस्पेंड किया जा रहा है और कांग्रेस मुख्यालय को एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर हमला है, ऐसा कहना सचिन पायलट का सरकार के ऊपर तोहमत लगाते हुए। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।